दौरे के लिए टी20 वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टी20 से बुमराह पांड्या को आराम दिया गया है। कोहली तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान की भूमिका में ही नजर आएंगे। रोहित शर्मा टेस्ट वनडे 2020 तीनों में खेलेंगे। शिखर धवन की भी वापसी हुई है। तो तीन टी20 इंटरनेशनल के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। विराट कोहली कप्तान रहेंगे, रोहित शर्मा उपकप्तान रहेंगे, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल शहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चार, नवदीप सैनी, इन सभी को टीम में शामिल किया गया है। तो ये टी20 की टीम है। अब आपको वनडे की टीम में कौन कौन रहेगा, कौन कौन से चेहरे होंगे उनके बारे में भी बता देते हैं। तीन वनडे इंटरनेशनल होने हैं जिसमें भारतीय टीम में कप्तान रहेंगे विराट कोहली, उपकप्तान रोहित शर्मा, इसके अलावा शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, केदार जाधव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, नवदीप सैनी, ये सभी वनडे टीम का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा दो टेस्ट भी खेले जाने हैं, उसके लिए भी टीम का ऐलान किया गया है। पहला टी20 मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा, दूसरा 4 अगस्त को, तीसरा 6 अगस्त को खेला जाएगा। इसके अलावा पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाना है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहे।